जापान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में बुधवार देर रात आए भीषण भूकंप से 2 लोगों की मौत हो गई और 92 अन्य घायल हुए हैं। पुलिस और दमकल अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। अग्निशमन और आपदा प्रबंधन एजेंसी के अनुसार मियागी और फुकुशिमा सहित 7 प्रांतों में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था। इन प्रांतों में स्थानीय समयानुसार सुबह 6:30 बजे तक 92 लोगों के भूकंप से घायल होने की खबर है। देश के उत्तर पूर्वी और पूर्वी क्षेत्रों विशेषकर मियागी और फुकुशिमा क्षेत्र में जोरदार झटके महसूस किए गए, जहां 6 से अधिक तीव्रता के झटके महसूस किए। स्थानीय समयानुसार बुधवार रात करीब 1136 बजे भूकंप के झटके महसूस किए। भूकंप का केंद्र 37.7 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 141.7 पूर्वी देशांतर 60 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। बुलेट ट्रेन के पटरी से उतरी। तोहोकू शिंकानसेन बुलेट ट्रेन सेवा के एक हिस्से में गुरुवार सुबह भूकंप के बाद एक बुलेट ट्रेन के पटरी से उतरने पर सेवा को रोक दिया गया है। ईस्ट निपोन एक्सप्रेसवे कंपनी ने ओसाकी में तोहोकू एक्सप्रेसवे, मियागी प्रीफेक्चर और सोमा फुकुशिमा में जोबन एक्सप्रेसवे सहित एक्सप्रेसवे के कई हिस्सों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। सुनामी की लहरों की चेतावनी। भूकंप के झटकों के बाद करीब 2,20,00,000 घरों में बिजली की सप्लाई ठप हो गई। मियागी और फुकुशिमा प्रांत में तटीय क्षेत्रों में 1 मीटर सुनामी की लहरों की चेतावनी जारी की गई थी और लोगों से तटों से दूर रहने का आग्रह किया गया। बता दें कि पिछले साल मार्च में भी जापान की राजधानी टोक्यो में भूकंप के कुछ इसी तरह के जोरदार झटके महसूस किए गए थे। तब भूकंप तीव्रता USGS के अनुसार 7.2 मापी गई थी। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।